बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्को मेडिसिनो को मैंडेट लेटर जो है वो इशू कर दिया है। दोस्तों इस लेटर में आने वाले दिनों में कनाडा का क्या फ्यूचर होगा और न्यू फॉरेन वर्कर्स के लिए क्या सोच है उनकी, इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया होता है कि कनाडा के मिनिस्टर ने क्या सोचा है आने वाले दिनों के लिए। और इस लेटर से ही इमिग्रेशन मिनिस्टर भी अपने आगे के प्लान डिसाइड करते हैं कि आगे अब उनको कैसे चलना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने न्यू मैंडेट लेटर जो है वो जारी कर दिया है इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्को मेडिसिनो को। और मैंडेट लेटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर द कैनेडाज इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। इस मैंडेट लेटर में कनाडा प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि इमिग्रेशन मिनिस्टर को आगे आने वाले दिनों में क्या क्या गोल्स रखने होंगे। साथ ही दोस्तों इस लेटर में कनाडा की 2021 से लेकर 2023 की पॉलिसी को भी कंफर्म किया गया है कि कनाडा आने वाले दिनों में 1.2 मिलियन लोगों को वेलकम करेगा। और साथ ही इमिग्रेशन मिनिस्टर को ये भी कहा गया है कि जो प्रोसेसिंग टाइम्स हैं और जो इश्यूज हैं उनको जल्द से जल्द फिक्स किया जाए। साथ ही दोस्तों उन्होंने बताया कि हिस्ट्री के अंदर अब तक ऐसा नहीं हुआ कि एक साल के अंदर इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स का टारगेट सेट किया गया हो, जो कि 2021 से लेकर 2023 में रखा गया है, जिसको देखते हुए हर साल 4 लाख से भी ज़्यादा इमिग्रेंट्स को वेलकम करेगा कैनेडा। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने लेटर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया है। नंबर वन के ऊपर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में न्यू कॉमर्स को और सपोर्टर्स को मजीद आने के मौके मिलने चाहिए बिकॉज ऑफ कनाडा की इकोनॉमी और ग्रोथ के लिए, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 की वजह से जो क्राइसिस हुए हैं और कनाडा की इकोनॉमी को जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जा सके, इस वजह से मजीद पायलट प्रोग्राम्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आई जाए और खासकर फैमिलीज और रीजनल पायलट प्रोग्राम्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। नंबर टू पे उन्होंने कहा कि जो लोग हेल्थ केयर और होम केयर्स के अलावा मेडिकल फैसिलिटीज जैसे सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं और कनाडा की हेल्प कर रहे हैं इस कोविड-19 पेंडेमिक में भी, तो उनके लिए ऐसे रास्ते निकाले जाएं जिससे वो कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकें। नंबर थ्री पे उन्होंने कहा कि ऐसे ही कैबिनेट्स वर्कर काम करते रहें और प्रोटेक्ट करते रहें हेल्थ और सेफ्टी को, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कनाडा पोर्ट्स ऑफ एंट्री है उनको पूरा करते रहें। नंबर फोर पे उन्होंने कहा कि हमें और भी ऐसे तरीके फाइंड करने चाहिए जो कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए पीआर लेने में हेल्प करें, मतलब के न्यू इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम्स निकाले जाएं। नंबर फाइव पे उन्होंने कहा कि मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को काम करते रहना चाहिए वर्कफोर्स डेवलपमेंट पर और डिसेबिलिटी इंक्लूशन पर, जो कि प्रोटेक्ट करे वर्कर्स को कोविड-19 से और सिक्योर करे वर्कर्स को, जिसकी वजह से लेबर फोर्स की जो नीड है फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग में उसको पूरा किया जा सके। दोस्तों ये लेटर यहीं पे फिनिश हो जाता है, जो कि लेटर जस्टिन ट्रूडो ने मार्को मेडिसिनो को सेंड किया है वो लेटर मैंने आपके सामने रख दिया है। और दोस्तों इस लेटर के तहत हमें यही लगता है कि जो 4 लाख का कोटा था वो बिल्कुल पूरा किया जाएगा 2021 के अंदर। इसके अलावा आपको मजीद पायलट प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे 2021 में और काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो है वो लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है कनाडा के अंदर, और जैसे कि आपने सुना कि फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, जिसे देखते हुए आपको जॉब भी आसानी मिल सकती है इन ऑक्यूपेशंस में और आप कनाडा जा भी सकते हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों इन ऑक्यूपेशंस के अंदर ना ही आपसे ज़्यादा एजुकेशन मांगी जाती है और ना ही आपसे कोई आइल्स वगैरह मांगा जाता है, तो आप जो है वो कनाडा का वर्क परमिट लेकर कनाडा जा सकते हो। और फिर जैसा आपने सुन लिया नंबर फोर के ऊपर कि वो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए भी ऐसे रास्ते निकाल रहे हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी जो है वो कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी गेट कर पाए।
अब देखते हैं 2021 जो है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, आगे आने वाले दिनों में आपको और कौन से ऐसे रास्ते देखने को मिलते हैं जिससे आप काफी आसानी कनाडा जा पाओगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।